अच्छा, एफसीसी के सीट भी बचा होगा। हाँ, और क्या बचा होगा? थाईलैंड और एफसीसी साइड ओपन कर लिया था। थाईलैंड, एफसीसी के ठीक है। तो ग्रोथ रेगुलेटर में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में हमारा रह रहा है इथाइलीन और एब्सिसिक एसिड, दो हार्मोन अभी रह रहे हैं। तो देखिए, पहले हम लोग बात करेंगे इथाइलीन की, द ओनली हार्मोन विच इज फाउंड इन गैसेस स्टेट। जी बताएं कौन सर, सा? जो आपने कल बताया था जिब्लेरिन का, तो उसमें जो आर्टिफिशियल जिब्लेरिन है, वो जो आपने एक एग्जांपल बताया था कॉलचिसिन, तो वो क्या कोलचिसिन? कोई ड्रग है? ना ना ना, ड्रग नहीं है, केमिकल कॉम्पोजिशन है। ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं जो लोग खेती में छिड़कते हैं, वो सब आर्टिफिशियल हार्मोन ही है। तो वो क्या करते हैं, वो उनको मतलब दे पुश प्रोडक्टिविटी, बट उसमें क्या होता है कि जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। तो जो सर, हमारी मैंने उसे गूगल पे सर्च किया तो उसमें आया था एंटी गाउट ड्रग, एंटी, देखो गाउट। ड्रग ड्रग, अब आप समझो ना कि ड्रग वी कैन नॉट ऑलवेज यूज इन नेगेटिव सेंस। आप देखो, आप केमिस्ट की शॉप में जाते हो, आजकल आजकल लोगों से क्या बोलते हैं, ड्रग शॉप ही तो बोलते हैं, मेडिकल स्टोर अपन सर पहले बोलते थे, है मेडिसिन ना? तो मेडिसिन ड्रग्स। तो ड्रग्स क्या होता है, एनी काइंड ऑफ द केमिकल विच कैन ट्रिगर आवर नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड ड्रग। एनी काइंड ऑफ द केमिकल, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इम्पैक्ट, कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, दैट इज सेकेंडरी थिंग। सर, तो तो वो एक कोई भी, मेडिसिन भी है। सर हाँ राइट, मेडिसिन इज ड्रग्स, है ना? तो अब मेडिसिन ड्रग में देखो, कुछ हमारे लिए बॉडी के लिए, आप भी जानते हो, कुछ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो इसलिए हम इन सबको ड्रग की कैटेगरी में रखते हैं। ओके सर, टी, जैसे ड्रग की कैटेगरी में टी भी आता है, उसमें थियासिन पाया जाता है ना, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है, यस सर। देखो अब नेक्स्ट जो थर्ड वाला, आई थिंक फोर्थ, हाँ, तो जो हमारा फोर्थ हार्मोन है दैट इज इथाइलिन। देखो, इथाइलिन इज फोर्थ हार्मोन, नोट करो, इट इज अ गैसियस हार्मोन इट इज अ गैसियस हार्मोन विच स्टिमुलेट ट्रांसवर्स ग्रोथ विच स्टिमुलेट ट्रांसवर्स ग्रोथ बट इट रिटार्ड्स लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, बट रिटार्ड्स लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फाउंड, सर गैसेस हार्मोन के बाद इट इज द ओनली गैसेस हार्मोन विच स्टिमुलेट ट्रांसवर्स ग्रोथ बट रिटार्ड लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। नेक्स्ट, इट इज फॉर्म्ड ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, नेक्स्ट, इट इज फॉर्म्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट ना। ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इट इज फॉर्म्ड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट। प्लीज रिपीट। इट इज फॉर्म्ड इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज टेन द सीनेसेंस ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, हैज टेन द सीनेसेंस ऑफ सिनेसेंस ऑफ
लीव्स एंड फ्लावर, तो इथाइलीन की वजह से जो लीव्स होती हैं और फ्लावर ये सब गिर जाते हैं। वैसे आपको बताऊं, ये वर्ल्ड का पहला इथाइलीन जो है ना, इसको वेपन्स की तरह भी यूज किया गया। ये वर्ल्ड का पहला बायोलॉजिकल वेपन है, द फर्स्ट बायोलॉजिकल वेपन। वियतनाम वार में इसको यूज किया गया था पेड़ों की पत्तियां गिराने के लिए। तो इथाइलीन को, ये बायोलॉजिकल वेपन्स वो होते हैं जैसे कोरोना वायरस चाइना ने बनाया, तो चाइना ने जो कोरोना वायरस बनाया ये क्या है, इट इज अ बायोलॉजिकल वेपन टू किल पीपल। तो वैसे वर्ल्ड का जो पहला बायोलॉजिकल वेपन है वो इथाइलीन था। इथाइलीन को अमेरिका ने यूज किया हुआ था और अमेरिका ने इसका नाम दिया था एजेंट ऑरेंज। वियतनाम वार में यूज किया पहला बार, फर्स्ट टाइम यूज हुआ। तो सर आपने क्या बोला, कौन सी पत्तियां गिराने के लिए यूज किया? मालिक पेड़ों की पत्तियां गिराने के लिए, प्लांट की लीव्स गिराने के लिए। सर आपने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिया? भैया मैंने इसको कहा, अमेरिका ने इसको ना, इसका नाम एजेंट ऑरेंज कहा। नहीं नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ आपने कोई स्पेसिफिक प्लांट का नाम नहीं बताना है ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये किसी भी प्लांट की पत्ती को गिरा सकता आप। इथाइलीन किसी भी प्लांट के ऊपर छिड़क दो, मोनोकॉट हो, डाइकॉट हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, एनी काइंड ऑफ द प्लांट। ये किसी भी प्लांट की पत्तियों को गिरा करके डिफोलिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसी पर्टिकुलर प्लांट की पत्ती गिराएगा तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? इट इज एजेंट, एजेंट नहीं, गलत लगा, एजेंट ऑरेंज इसको बोला था अमेरिकन आर्मी ने, क्या नाम एजेंट ऑरेंज। ये दिस वॉज द फर्स्ट biological weapon of the world and this is ethylene, it was actually ethylene. So it is it has ten senescence of leaves and flower. To ye pattiyan gira deta hai, hai na? Next, it is responsible for breaking off, it is responsible for breaking off dormancy of, it is responsible for breaking off dormancy of seed. What is dormancy? Can somebody tell me what is dormancy? Sir, seed जब germinate करना शुरू करता है, मतलब seed के अंदर से जब वो निकलता है plant, तो उसको dormancy कहते हैं। तो dormancy उससे पहले जो period होता है उसे dormancy कहते हैं। हाँ, seed के बनने के बाद, seed के germinate होने के बीच के time पे seed सोता रहता है, उसको dormancy period बोलते हैं। तो अगर अब उसके बीच में मुझे seed को, suppose that किसी seed को seed बना, उसके बाद वो 6 महीने तक नहीं उगने वाला, डोरमेंसी पीरियड में रहेगा। अगर मैं उसको 6 महीने से पहले मुझे उगाना है, मैं उसमें इथाइलीन मिला दूंगा, वो डोरमेंसी उसकी ब्रेक हो जाएगी और वो उगाएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन से तभी मैं आपको लिखवा रहा हूं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड। नेक्स्ट पॉइंट, लो कंसेंट्रेशन ऑफ इथाइलीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट ड्यूरिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए स्टार बना के लिखेंगे। इट स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल एज वेल एज मैंगो, एज वेल एज मैंगो, ठीक है? Yes, sir. और ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एब्सिसिक एसिड। देखो क्या होता है कि ये एक प्लांट है, प्लांट में फॉर्मेशन होता है ना, और
लीव्स में आप देखते हैं कि मैंने आपसे बताया था कि जब कोई पत्ती मैच्योर हो जाती है तो यहां पर क्या होता है, टिश्यूज मरने लगते हैं, मतलब डेथ ऑफ टिश्यू, नेक्रोसिस स्टार्ट होती है। तो टिश्यूज के मर जाने की वजह से बीच में एक डेड लेयर बन जाती है इस पत्ती और इस सिस्टम के बीच में, जब पत्ती गिरने वाली थी डिफोलिएशन के टाइम पे, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं एब्सिसन लेयर। ये हार्मोन इस एब्सिसन लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो कोई भी पकने के बाद फ्रूट जब गिरता है या कोई भी मैच्योर लीफ जब गिरती है तो एब्सिसन लेयर का फॉर्मेशन होता है। एब्सिसन लेयर को बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो एब्सिसिक एसिड को जाता है, इसीलिए हम लोग इसको एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड को वैसे शॉर्ट में एबीए बोला जाता है, वी कॉल इट एबीए, एबीए रिप्रेजेंट एब्सिसिक एसिड। तो ये एब्सिसन लेयर हो गई, इस प्रोसेस को एब्सिसन कहते हैं, जिससे कोई भी पत्ती मैच्योर होकर गिर जाती है। ठीक है, तो नोट करेंगे। अच्छा, एक और बात बता दूं, एब्सिसिक एसिड को क्वेश्चन ये पूछा था, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। अब भाई स्ट्रेस हार्मोन बोलने के पीछे रीजन क्या हुआ, एब्सिसिक एसिड को क्यों स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है? होता क्या है कि प्लांट के लिए स्ट्रेस की एक कंडीशन होती है कि गर्मियों के टाइम पे पानी कम होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है और वाटर की स्कैरसिटी होती है। तो ये क्या करता है, इसे स्ट्रेस हार्मोन या इसी को एंटी ड्रॉट हार्मोन भी बोलते हैं, या एंटी ड्रॉट हार्मोन, या इसी को ड्रॉट रेजिस्टेंट हार्मोन बोलते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट हार्मोन। ये सब बोलने के पीछे रीजन क्या होता है कि वाटर की स्कैरसिटी के समय पे जब पानी की कमी होती है तो ट्रांसपिरेशन रेट हाई होता है और पानी ऑलरेडी मिट्टी में कम होता है, उस समय एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है और वो क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। स्टोमेटा को क्लोज करने के बाद रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को गिरा देता है। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन गिर जाने की वजह से क्या होता है कि प्लांट काफी लंबे समय तक सर्वाइव कर जाता है, इसीलिए हम लोग इसको ड्रॉट रेजिस्टेंट हार्मोन या एंटी ड्रॉट हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और एब्सिसन लेयर का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसको एब्सिसिक एसिड कहा जाता है। नोट करिए, एब्सिसिक एसिड। सर जी, सर आपने पिछले में थायलीन में इट इज रिस्पांसिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी ऑफ सीड के बाद कुछ बताया था, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी ऑफ सीड। हाँ, ये पाइनएप्पल में फ्लॉरिंग इनिशिएट करता है, रूट इनिशिएशन का काम करता है, ये बताया था। नो सर, पॉइंट लिखवाया था आपने। हाँ, इसके बाद पॉइंट लिखवाया था ना, मैंने लिखवाया था कि ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में रूट इनिशिएशन का काम करता है, ये लिखवाया था। सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। अच्छा, नोट कर लो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट इनिशिएशन ड्यूरिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एट लो कंसेंट्रेशन। नेक्स्ट, इट स्टिमुलेट फ्लारिंग इन पाइनएपल एंड मैंगो प्लांट। चलो अब एब्सिसिक एसिड में नोट करिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज पाइनएपल एंड मैंगो प्लांट। ओके सर, थैंक यू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय ड्रॉट or in other drought or in other environmental conditions which are not favorable
नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड, इसी को डॉर्मिन भी कहते हैं, एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड डॉर्मिन, डॉर्मिन इसी को एबीए कहते हैं, इसी को स्ट्रेस हार्मोन, इसी को डॉर्मिन भी कहते हैं. एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड डॉर्मिन बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्मेंसी ऑफ सीड. It is responsible for dormancy of seed and buds. Next point. So and buds. Next point. Abscisic acid promote abscission of flowers and fruit, promote abscission of flowers and fruit. Next, it inhibit transpiration, it inhibit transpiration during the water stress situation, it inhibit transpiration in water stress situation that's why we call it anti drought hormone. Next point, it is responsible for parthenocarpy of fruit. ठीक है. तो ये था हमारा एब्सिसिक एसिड. अब देखो एक और टॉपिक है, ये तो फाइटो हार्मोन्स थे हमारे, है ना. द नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो पीरियडिज्म. व्हाट इज फोटो पीरियडिज्म, कोई बता सकता है फोटो पीरियडिज्म क्या होता है? पढ़ा होगा हालांकि आपने, तो बहुत पहले 10th में पढ़ा होगा भी, हार्मोन्स फोटो पीरियडिज्म सब पढ़, वर्नलाइजेशन इवन 10th में था, पढ़ा है ना 10th में. बताओ भाई क्या है ये फोटोपीरियडिज्म? ले सर, जो प्लांट्स लाइट में कैसे रेस्पॉन्स करते हैं वो, उसको हम फोटोपीरियडिज्म कहते हैं. वो तो दो तरह का होता है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोटैक्सिस. फोटोट्रॉपिक मूवमेंट एक तरह का ट्रॉपिक मूवमेंट व्हिच टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, है ना.
जियोट्रॉपिक जो ग्रेविटी की डायरेक्शन है वो तो ट्रॉपिज्म होता है, वो तो पीरियडिज्म। देखो अगर मैं ये कहूं कि जो मस्टर्ड होती है उसकी फ्लारिंग विंटर्स में क्यों होती है, या अगर मैं यूं कहूं कि जो पी होता है मटर होता है वो विंटर में क्यों फ्लार करता है, या वो फसल विंटर में क्यों होती है, या मैं यूं कहूं कि जो मूंग होती है वो गर्मियों में ही क्यों होती है। द रीजन बिहाइंड इट कि हर प्लांट में फ्लारिंग होने को मतलब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। फ्लारिंग क्या है? फ्लार तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो हर प्लांट में फ्लारिंग होने के लिए एक पर्टिकुलर लाइट का ड्यूरेशन चाहिए। मटर के प्लांट को या सरसों के प्लांट को, मस्टर्ड के प्लांट को लाइट का एक्सपोजर ड्यूरेशन कम चाहिए, रात डार्क पीरियड ज्यादा चाहिए, क्योंकि सर्दियों में रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। तो जो जिस ड्यूरेशन में लाइट पड़ती है प्लांट में वो ड्यूरेशन कम होता है। तो ये शॉर्ट डे प्लांट है जो कम लाइट फोटो पीरियड में, फोटो पीरियड है लाइट का ड्यूरेशन, द ड्यूरेशन टू विच लाइट फॉल्स ऑन एनी प्लांट। तो कम ड्यूरेशन लाइट का चाहिए, तो डार्क पीरियड ज्यादा चाहिए और लाइट पीरियड कम चाहिए, इसलिए फ्लार होते हैं, उन शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। अब मैं बात कर रहा था मूंग के प्लांट की। तो मूंग का जो पौधा होता है उसको लाइट फोटो पीरियड ज्यादा चाहिए, गर्मियों में लाइट ज्यादा लंबे समय तक रहती है तो फोटो पीरियड ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा टाइम तक लाइट रहती है, ज्यादा फोटो पीरियड मिलता है, तो फ्लारिंग करते हैं, उनको हम लॉन्ग डे प्लांट बोलेंगे। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको सर्दी में भी उगा सकते हो, गर्मी में भी उगा सकते हो, कभी भी उगा सकते हो, उनको डे न्यूट्रल प्लांट बनते हैं, उनके ऊपर फोटो पीरियड का कोई असर नहीं पड़ता है। सो फोटो पीरियड इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट टू एनी प्लांट। नोट करो फोटो पीरियड, फोटो पीरियड्स और डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट आवर्स and its effect on the growth and development on plant is called photoperiodism is called photoperiodism. Next point. On the basis of photoperiodism, the plants are divide it in following category SDP जो मैं अभी बता रहा था, short day plant। तो मैंने जैसे बताया कि short day plant वो होते हैं जिनको कि photo period कम चाहिए, कम लंबा चाहिए, है ना। तो देखो शॉर्ट डे प्लांट वो होते हैं, नोट करेंगे, दे फ्लार व्हेन फोटो पीरियड लेंथ इज बिलो अ क्रिटिकल टाइम पीरियड सो ये वाला आप स्टार्टिंग क्यों बोल देंगे? दे फ्लार व्हेन द फोटो पीरियड इज बिलो अ क्रिटिकल टाइम पीरियड। अंडरलाइन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द फ्लारिंग प्लांट
belongs to this category. Most of the flowering plant belongs to this category. इसमें एग्जाम्पल है पोटैटो, टोबैको, टोबैको इसका एग्जाम्पल है, स्ट्रॉबेरीज का एग्जाम्पल है. तो क्रिटिकल पीरियड से कम समय में इसको चाहिए होता है लाइट के एक्सपोजर के लिए. इनको हम शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं. तो मेनली ये सब विंटर्स में होते हैं. दूसरे होते हैं एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट. इनको क्रिटिकल टाइम पीरियड से ज्यादा समय के लिए लाइट चाहिए होती है, तभी ये फ्लावरिंग करेंगे. तो नोट करेंगे, दीस प्लांट फ्लावर when they receive these plant flower when they receive light more than a critical time period. एग्जाम्पल के तौर पे वीट, सुगर बीट, रेडिश, ठीक है, तीसरे होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता. डे न्यूट्रल प्लांट, तो नोट करेंगे, डे न्यूट्रल प्लांट दे कैन फ्लावर थ्रू आउट द ईयर. दे कैन फ्लावर थ्रू आउट द ईयर irrespective of photo period. Irrespective of photo period. Right? तो उनको हम डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं, जिन्हें फोटो पीरियड के जिनके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता. ठीक है, तो ये होगा हमारा फोटो पीरियडिज्म. One last thing for this chapter, vernalization. क्या होता है vernalization? सर डे न्यूट्रल प्लांट्स के एग्जांपल क्या होंगे? अच्छा हाँ, डे न्यूट्रल प्लांट के एग्जांपल नोट कर लो भाई. डे न्यूट्रल प्लांट के एग्जांपल हैं, एक तो हो गया आपका सनफ्लावर, टोमेटो, सनफ्लावर आता है सनफ्लावर, मेज, कॉटन, सनफ्लावर, अरे लिख दिया मैं, सनफ्लावर, मेज कॉटन, कुकुम्बर, ये डे न्यूट्रल प्लांट. अब आ जाते हैं वर्नलाइजेशन में. देखो वर्नलाइजेशन क्या होता है, एक तरह का ये हीट शॉक है, सॉरी कोल्ड शॉक है, कि अगर सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा तो हम अगर उसको कोल्ड शॉक दे देना तो वो डोरमेंसी से बाहर आ जाता है और वो जर्मिनेट कर जाता है. इस प्रोसेस को हम लोग वर्नलाइजेशन बोलते हैं, है ना. बहुत सारे जो प्लांट जो लो टेम्परेचर में उगते हैं, तो हम अगर उनको लो टेम्परेचर में उनके सीड को लो टेम्परेचर का शॉक दे दें तो वो उससे बाहर आ जाते हैं. दिस इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन. ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग वर्नलाइजेशन बोलते हैं. तो हम कई बार क्या होता है, ऐसे प्लांट को मतलब ठंडक में रख देते हैं या बर्फ में रख देते हैं ना, तो उनके सीड्स को रख देते हैं तो उससे वो जर्मिनेट कर जाते हैं. नोट करेंगे, many plants do not come to flower, many plants do not come to flower before they experience
सर डू नॉट कम टू फ्लावर बिफोर द एक्सपीरियंस लो टेम्परेचर. That is, they receive low temperature during winter and then only they flower and gives fruit and gives fruit. The flower and gives fruit. Okay. Sir, ये उल्टा भी कर सकते हैं किसी प्लांट को हाई टेम्परेचर देके. नहीं ऐसा नहीं होता है. वर्नलाइजेशन सिर्फ लो टेम्परेचर पे होता है. ओके ओके सर. नोट करें. Vernalization is therefore a process of giving chilling treatment by this process. Shortening of vegetative phase takes place and hastening of flowering and hastening of flowering of vegetative phase. Shortening of vegetative phase and hastening of flowering takes place. तो वेजिटेटिव जो फेज होती है वो छोटी हो जाती है और फ्लारिंग जल्दी हो जाती है तो फ्रूट्स उसमें जल्दी आ जाते हैं. तो अगर कोई ऐसा प्लांट है जो सर्दियों में ही फ्रूट्स देता है तो हम उसको वर्नलाइजेशन से ट्रीट कर सकते हैं जिससे कि उसमें फ्रूटिंग या फ्लारिंग जल्दी हो जाएगी. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीड्स को हीट कोल्ड शॉक ट्रीटमेंट देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, नोट करके लिखेंगे. नोट द लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द वर्नलाइजेशन इज यूजुअली 0 to 5 degrees centigrade. Full stop. It is 3 to 17 degree for biennial plants. For biennial plants. ठीक है, तो ये था हमारा वर्नलाइजेशन, है ना. तो सर बायनियल की स्पेलिंग दीजिए. हाँ, क्या 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 सर बायनियल की स्पेलिंग लिख दीजिए. अच्छा अच्छा ठीक. जैसे सुगर बीट हो गई, बायनियल प्लांट जो दो साल में इनकी लाइफ स्पान होती है उनको बायनियल बोलते हैं. एनिमल्स जो एक ही साल ग्रो करते हैं जैसे ये राइस हो गया और ये हो गया पैडी हो गया वीट हो गया मेज हो गया, ये सब एनिमल है. ठीक है, जैसे सुगर केन वगैरह हो गया, सब बायनियल्स हैं. फिर दो दो साल तक लाइफ स्पान ये होती है. सो आई थिंक ऑल टॉपिक्स आर ओवर. जी नहीं भाई साहब, ये इतना आज की डेट में टेक्नोलॉजी से बहुत आगे है.
ऑक्सीजन प्लांट वो होते हैं, दे आर ट्रांसजेनिक और हाइब्रिड, नॉर्मली दे आर ट्रांसजेनिक्स हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट बना करके वो आर्टिफिशियली एक हमने क्रिएट कर रखे हैं सीड्स, तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं मोस्टली जो आजकल आपको हर सीजन में आते हैं, कुछ थोड़े बड़े में से हाइब्रिड हैं बट मोस्टली दे आर ट्रांसजेनिक्स। तो वो टेक्नोलॉजी का यूज है, बायोटेक का यूज है, जिसके थ्रू हम ट्रांसजेनिक प्लांट बना पा रहे हैं। जी सर, ठीक है। तो इसका ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो फाइनली प्लांट फिजियोलॉजी, वी डिड प्लांट फिजियोलॉजी, और नेक्स्ट हमारी जो यूनिट स्टार्ट होंगे, हम लोग एक ही यूनिट साथ बची है, तो हमारी एक यूनिट रह रही है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, है ना। इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इसमें बहुत खास कुछ नहीं है, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब टिश्यू। तो कुल मिलाकर के पहला वाला जो चैप्टर फिफ्थ है वो इसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं, और टेक्सोनॉमी एक्चुअली बोलते हैं, और जो चैप्टर नंबर सिक्स है दिस इज एनाटॉमी ऑफ, ये बॉटनी की एनाटॉमी है, और जो मतलब प्लांट एनाटॉमी, और चैप्टर नंबर सेवन दैट इज एनिमल एनाटॉमी, ठीक है, जूलॉजी की एनाटॉमी है। तो तीन चैप्टर बचे हैं, तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज चला देखा जाए। अच्छा हम ना यू डिड, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। तो अभी तीन चैप्टर हमारे रह रहे हैं, है ना, तो हम लोग मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। मॉर्फोलॉजी कोई बात नहीं, टफ नहीं है, थोड़ा बड़ा है और समझने लायक है, बाकी फैमिलीज आपको याद करनी पड़ेंगे, फॉर्मूले कैसे होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगाइए प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो देखिए सबसे पहले आप प्लांट मॉर्फोलॉजी डालिए, और फिर मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है। मेरा फोल्डर खोला जाए, डायग्राम डायग्राम का, morphology of flowering plant, simple है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं। खैर ये प्लांट का स्ट्रक्चर है, तो देखिए दिस इज फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव्स, है ना। और अब यहां समझने वाली बात है, जहां से लीव्स निकली दिस इज नोट एंड दिस इज नोट, दो नोट के बीच के पार्ट को अपन बोलते हैं इंटरनोट। लीव्स की एक्सिस में यहां पर दिस इज बट, मेन रूट जो निकलती है उसको प्राइमरी रूट, मेन रूट से जो दूसरी रूट निकलती है उनको सेकेंडरी रूट, ऊपर वाला शूट सिस्टम, नीचे वाला रूट सिस्टम, ठीक है। शूट सिस्टम दिस इज एरियल, एरियल पार्ट होता है, तो दिस इज एरियल पार्ट, है ना, इसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं, नीचे वाले को रूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे प्लांट के पार्ट, प्राइमरी रूट,
सेकेंडरी रूट। अब देखो ये बता देता हूँ टैप रूट सिस्टम क्या होता है, एडवेंटिनियस रूट सिस्टम क्या होता है। तो रूट्स दो तरह के होते हैं, है ना, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो एक तो होता है टैप रूट सिस्टम और दूसरा होता है एडवेंटेनियस। टैप रूट सिस्टम क्या होता है, एक प्राइमरी रूट होती है और इस प्राइमरी रूट से बहुत सारी सब रूट्स निकली होती हैं जिनको हम सेकेंडरी रूट बोलते हैं, जैसे सामने आपको डायग्राम में बना हुआ है। और इस सेकेंडरी रूट से टर्सरी रूट्स या रूट हेयर निकले होते हैं, दिस इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम मेनली पाया जाता है डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट। एडवेंटेनियस या इन्हीं को हम लोग फाइबरस रूट कहते हैं, फाइबरस रूट। तो फाइबरस रूट क्या होती है, एक पर्टिकुलर स्टेम के पॉइंट से बहुत सारे रूट के फाइबर्स निकले हुए होते हैं, उनको हम फाइबरस रूट सिस्टम बोलते हैं, एडवेंटेनियस रूट सिस्टम बोलते हैं। जितने भी क्रॉप प्लांट पाए जाते हैं मतलब मोनोकॉट में, ये सिस्टम मोनोकॉट में पाया जाता है। ठीक है, नोट करते जाओ। सही डायग्राम ही बनाना है। हाँ बिल्कुल, मतलब ये प्लांट वाला क्या बनाओगे, मतलब वो आपकी डिपेंड करता है, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हो गया, एक मिनट सर। ठीक है बना लो। सर आपने कुछ लिखा था कि शूट सिस्टम के राइट साइड पे, हाँ उसको एरियल पार्ट बोलते हैं, एरियल, एरियल सिस्टम भी बोलते हैं। ओके सर, नोट कर लेना भाई तो बताना। हो गया? यस सर, यस सर। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले इसमें रूट वाला पार्ट समझते हैं, रूट सिस्टम, है ना। तो पार्ट्स ऑफ रूट या रूट सिस्टम, अब देखो पार्ट ऑफ रूट को, ये स्कूल के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रूट सिस्टम से ऐसे क्वेश्चन स्कूल में भी टीचर्स पूछते हैं। तो अब जिसके स्कूल में नहीं होगा सो अलग बात है। देखो देखो क्या है कि पार्ट्स ऑफ रूट पे आप देख पा रहे हैं, रूट का ये पहला तो आपका ये प्राइमरी रूट हो गई, मेन रूट, ये वाली पार्ट, दिस इज प्राइमरी रूट। फिर ये प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट, उसके बाद टर्सरी रूट, और टर्सरी रूट के बाद जो है वो रूट हेयर आपके निकले हुए। रूट का जो आखिरी वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा ये जूम करके यहां पर दिखाया गया, इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं।
यहाँ पे सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है ये होता है रूट कैप। रूट कैप वाला जो पार्ट होता है ये ड्रिलर की तरह काम करता है, इट इज डेड पार्ट, ये डेड पार्ट होता है, ये फ्रिक्शन को रिमूव करने का काम करता है। और रूट नीचे की तरफ ग्रो करती है, ऐसा माना जाता है कि रूट के जो रूट कैप वाला पार्ट होता है यहाँ पे स्टार्च के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो जो स्टार्च ग्रेन्यूल पाए जाते हैं ये रूट को ग्रेविटी की तरफ ले जाने का काम करते हैं, इसीलिए रूट कैसी होती है, दे आर जियोट्रॉपिक, ग्रेविटी की तरफ मूव करती है, जियोट्रॉपिक। तो सबसे पहले आगे वाला पार्ट तो डेड है क्योंकि फ्रिक्शन करता रहता है। इसके पीछे रीजन ऑफ डिवीजन होता है, यहां पे सेल डिवाइड करती है। तो यहां पे इसका मतलब क्या होता है कि यहां पे तय है कि यहां पे कैसी सेल पाई जाती होंगी, मेरिस्टमेटिक, जो लगातार डिवाइड करती रहे, मेरिस्टमेटिक। इसके पीछे आते हैं रूट ऑफ इलोंगेशन। तो अब ये नई नई सेल कट के पीछे जा रही है, बनती जा रही है, पीछे वाली सेल क्या होती है, ये इलोंगेट होती है, मतलब बड़ी होती है, ठीक है, दे इंक्रीज देयर साइज। तो दूसरा होगा रीजन ऑफ इलोंगेशन। उसके ऊपर होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, यहां पर सेल मैच्योर होती है और यहां पर जाकर सेल डिफरेंशिएट हो जाती है। तो डिफरेंशिएट होने का मतलब है हर सेल को अपना उसका काम दे दिया जाता, फंक्शन दे दिया जाता है। यहां पर क्या होता है, सेल ग्रो करती है। तो रूट के एपिकल पार्ट को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, रीजन ऑफ सेल डिविजन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है, राइट। तो रीजन ऑफ जो आपका सेल डिवीजन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्योंकि मेरिस्टमेटिक टिश्यू पाया जाता है तो इसको बोलते हैं मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी, यहाँ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी होती है। यहाँ पर सेल ग्रो करती है, इलोंगेट होती है, ठीक है, और यहाँ पर रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है सेल का। नोट कर लो, फिर मैं लिखवा देता हूँ उसको, ये डायग्राम आप बना लीजिए, ये आपके स्कूल में पूछा जाने के पूरे चांस होते हैं। नोट कर लिया भाई क्या?
डन यस सर एक मिनट सर नो सर कोई नहीं बेटा कर लो आराम से डन भाई यस सर ठीक है चलिए नोट कीजिए फर्स्ट रूट कैप इज मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर द सेल्स ऑफ रूट कैप secrete mucilage the cells of root cap secrete mucilage full stop next point root cap possesses starch granule starch granule which is responsible for geotropic movement next point meristematic zone or region of cell division meristematic zone or region of cell division is 1 millimeter in length. Age 1 millimeter in length. Full stop. At this region, the meristematic cell are found. At this region, meristematic cells are found. They divide rapidly and have dense cytoplasm. Next, the zone of elongation, the zone of elongation
is 4 to 8 millimeter in length. Zone of elongation is 4 to 8 millimeter in length. It full stop. At this region, the cells lose. So 4 to 8 millimeter in length. Next point. At this region, cells lose the power of division. And they elongate rapidly. They increase the length of root. Next point. The zone of maturation is also called zone of differentiation or root hair zone. Next point. It is 1 to 6 centimeter in length. The most of absorption occur at this region. Next point. Outer cells gives rise to root hair. An increase the absorptive surface area. ठीक है भाई? Yes sir. ठीक है. अब next है modification of root, है ना? तो रूट्स के मॉडिफिकेशन कितने टाइप के रूट हो सकती है, रूट का कैसे कैसे मॉडिफिकेशन होता है ना? नेमेटोफोर्स, देखो बहुत तरह का रूट का मॉडिफिकेशन होता है. तो पहले लिखो, सबसे पहला जो टाइप है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में, तो नोट करेंगे, हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट.
सबसे पहला, ठीक है, तो फ्लैसी टैप रूट्स है ना, जो मोटे हो जाते हैं, फ्लैसी टैप रूट्स मतलब मोटे टैप रूट, फ्लैसी टैप रूट, फ्लैसी टैप रूट, टैप रूट सिस्टम, वो रूट्स जिनमें ज्यादा सब्सटेंस इकट्ठा हो जाते हैं और फूड इकट्ठा कर लेते हैं, नोट करेंगे, दे बिकम स्वॉलन और फ्लैसी, दे बिकम स्वॉलन और फ्लैसी टू स्टोर फूड, mainly primary root, mainly primary root store food, on the basis of shape they are of following type. तो देखो इस तरह की जो पाई जाती है किस पे पाई जाती है, दिस इज कोनिकल, कोनिकल फ्लैशी रूट्स पाई जाती हैं किसमें, कैरेट में, गाजर में, तो प्राइमरी रूट होती है जिसमें फूड इकट्ठा हो जाता है, तो ए हो गया कोनिकल, बी होती है फ्यूजी फॉर्म, फ्यूजीफॉर्म, ये भी कुछ कुछ कोनिकल की तरह होती है लेकिन थोड़ा सा कोनिकल से डिफरेंट होती है, सो दे आर ऑफ फ्यूजीफॉर्म, रेडिश, फ्यूजीफॉर्म हो गई, then it's a nappy form, turnip, अचानक से नीचे की तरफ टैपर हो जाना, this is called nappy form, turnip में, tuberous, tuberous आपकी पाई जाती है इसमें, किसमें पाई जाती है, इसका example होगा, नहीं potato तो root है ही नहीं ना, वो तो stem है, वो potato का, sweet potato, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, तो इस तरह के शेप की होती है ना शकरकंदी, तो ये हो गया आपका ट्यूबरस, तो फ्लैशी रूट्स इतने टाइप की हो सकती हैं, तो पहला तो हो गया फ्लैशी रूट्स, नोट कर लिया, नो सर अभी कर रहा हूँ, सूट पोटैटो हो गया, 4 o'clock इसी में आता है, 4 o'clock प्लांट, मेरा विलेज जलापा कहते हैं, पढ़ेंगे हम लोग 12th में, मेरा विलेज जलापा, सर ये फोर्थ वाला क्या है, ट्यूबरस, नहीं सर एग्जांपल किसका है, स्वीट पोटैटो, ओके, और 4 o'clock प्लांट, मेरा बिलिस जलेपा, सर ये पर्पल कलर का होता है ना, 4 o'clock मेरा बिलिस जलेपा, हाँ रेड और व्हाइट कलर के, दो कलर के फ्लावर पाए जाते हैं इसमें, रेड एंड व्हाइट छोटे छोटे, 4 o'clock प्लांट, 12th में है, इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है नोट कर लिया, ठीक,
अब देखो नेक्स्ट है, तो पहला टाइप फ्लैशी जो इकट्ठा कर लेते हैं, दूसरे नेमेटोफोर्स देखो क्या होते हैं, बता सकता है क्या कोई नेमेटोफोर्स? यस सर, वो राइजोइड्स। राइजोइड्स वो नेमेटोफोर कहाँ होते हैं सर? मतलब रेस्पिरेशन करते हैं ये लोग। हाँ क्या बोलते हैं इनको? प्लांट्स। हाँ 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 सही है सर, जैसे हाँ मार्शी एरियाज होते हैं उससे बाहर रूट्स निकल जाती हैं। राइट, रेस्पिरेटरी रूट्स, सही बताया, रेस्पिरेटरी रूट्स बोलते हैं इनको। और ये बिल्कुल सही बात है, मार्शी एरिया में, तो मेनली कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टाइक रीजन में पाए जाते हैं, डेल्टाइक रीजन में, जैसे सुंदरबन इंडिया में हो गया तो डेल्टा वाले रीजन में पाए जाते हैं। ये स्पेशल टाइप के प्लांट होते हैं, इनको राइजोफोरा कहते हैं। सॉरी राइजोफोरा, मैंने राइजोइड बोल दिया। हाँ राइजोफोरा कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे सुंदरबन में जितने सारे डेल्टाइक प्लांट्स पाए जाते हैं, राइजोफोरा वगैरह है ना, मेनली यू कैन से राइजोफोरा तो एक रूट का टाइप हो गया, वी कैन से मैनग्रूव प्लांट। तो मैनग्रूव वो प्लांट होते हैं जो सिर्फ उन्हीं जगहों पे उगते हैं जहां पे डेल्टाइक रीजन, जहां पे डेल्टा होता है, रिवर्स जाकर के जहां पे अपना पूरा मटेरियल वहां पे डालती है, तो उधर से ओशंस का वाटर आ जाता है, वहां पे लैंड मार्शी होती है और सॉल्ट बहुत होता है, सॉल्ट में रूट्स गल जाएंगी और वो रेस्पायर नहीं कर सकते। तो होता क्या है, वहां पे जो कुछ रूट्स होती हैं वो सॉइल से बाहर ऑपोजिट ग्रेविटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर कभी पूछा जाए कि एंटी या एंटी जियोट्रॉपिक कौन सी रूट्स मूव करती हैं जो ग्रेविटी के अगेंस्ट, वो यही रूट्स होंगी जो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करती है, ठीक है। तो कुछ रूट होती हैं जो बाहर की तरफ निकल करके आ जाती है, इन रूट्स को हम लोग नेमेटोफोर्स कहते हैं, ठीक है। ये जो नेमेटोफोर्स होते हैं इनमें छोटे छोटे ये पोर्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी पोर्स। तो ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए बाहर की तरफ, बहुत नुकीले होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए बाहर की तरफ ये निकल आते हैं, तो इनसे प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो रेस्पायर करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है नेमेटोफोर्स का, है ना। तो नोट करेंगे, नेमेटोफोर्स। दे आर ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी रूट्स, दे आर ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी रूट्स फाउंड इन मैनग्रूव, दे आर ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी रूट फाउंड इन mangrove plant, found in mangrove plant found in mangrove plant they come out of they come out of soil they come out of soil for respiration respiration full stop they grow against gravity they grow against gravity and having cells
नेमेटोथोड, इनको नेमेटोथोड कहा जाता है। सर हाँ सर, आपने हैविंग के हैविंग स्मॉल पोर्स कॉल्ड नेमेटोथोड्स, कॉल्ड नेमेटोथोड्स। ठीक है, और ये तो बता दिया क्रॉप रूट्स, और बता देता हूँ उसी में। नेक्स्ट है क्रॉप रूट्स। ठीक है, क्रॉप रूट आप सब जानते होंगे, बरगद में पाई जाती है। क्रॉप रूट्स मेनली बनियान ट्री में पाई जाती है, फिकस बैगलेंसिस में। तो ये फिकस का जो ट्री होता है, इसमें आप देखते होंगे बहुत सारी इस तरह से, ये फिकस का बड़ा सा ट्री होता है, और इसमें कुछ नीचे की तरफ ट्रीज ग्रेविटी की तरफ लटक रही, ये रूट्स लटक रही होती है। धीरे धीरे आकर के ये जो रूट्स होती हैं, ये नीचे की तरफ पहुंच जाती हैं। जब ये नीचे पहुंच जाती हैं, तो यहाँ से अब इन रूट से यहाँ से इनमें ये निकलने लगते हैं, रूट हेयर निकलने लगते हैं, फिर प्रॉपर रूट, फिर प्रॉपर ये खुद में एक प्लांट की जरा बिहेव करने लगता है। यही कारण है कि बरगद या बनियान ट्री धीरे 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 फैलता रहता है, बहुत एरिया में फैलता रहता है। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो बनियान ट्री है वो 7.6 हेक्टेयर में है, कर्नाटका में है, इंडिया में। एक एक ट्री है उसकी, बस बाकी सब प्रॉप रूट्स है उसकी, जिनसे नए ट्री बने हुए हैं। 7.6 हेक्टेयर में है एक बरगद का पेड़। ठीक है, तो प्रॉप रूट्स ये पिलर की तरह काम करती है, ये सपोर्ट करती है, वरना ये बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो होती है बनियान ट्री को गिर जाए, तो इसको सपोर्ट करने का काम करती है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट का काम करती है। तो प्रॉप रूट्स एक तरह की मैकेनिकल रूट है। तो नोट करेंगे प्रॉप रूट्स, दे आर पिलर लाइक थिक, दे आर पिलर लाइक थिक एडवेंटेनियस रूट। Which grow and support, they are pillar-like adventitious root. Which grow and support horizontal branches. Initially. They are aerial and as the root reaches to soil, sir, please ज़्यादा point repeat कर दीजिए. Initially, they are aerial and as root reaches the soil, they become thick, and become as a trunk, सर ये बैनियन ट्रीज तो डाइकोटिलेडन होते हैं ना? हाँ डाइकोट होता है सर, तो ये एडवेंटेशियस रूट्स तो मोनोकॉट्स में होती हैं, तो ये इसकी मेन रूट थोड़ा ना, ये तो ऊपर से आती तो एडवेंटेनियस होती, नीचे पहुंचती टैप रूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके ओके सर, जो लटक रही एरियल ब्रांचेस वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टिल्ट रूट। अब देखो स्टिल्ट रूट क्या होती है, स्टिल्ट रूट आपको साफ साफ दिखाई देंगे मक्के वक्के के प्लांट में।
मेज में, सुगर केन में, अगर किसी ने सुगर केन में प्लांट देखा होगा उसको भी दिखाई जाएंगे स्क्रिप्ट रूट। तो ये तो इनके नोट हो गए, नोड और इंटरनोड। अब आप देखोगे जो सबसे नीचे वाला नोड होता है ना, इसके पास से कुछ रूट यहां से निकले होते हैं इस तरह से। ये मेनली आपको मिलेंगी मेज में, विजिबल होती क्लियरली, सुगर केन में। इनको हम लोग कहते हैं स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट, ठीक है, नोट करिए। दे आर शॉर्ट सपोर्टिंग roots which develop obliquely from basal nodes of stem. In sugarcane and maize, they are visible clearly. After reaching to the soil, the fibrous root gives support. After reaching to the soil, the fibrous root gives support to the plant stem. To the plant stem. Next point, इसी में additionally they allow better water and mineral absorption. Additionally, they allow better water and mineral absorption. ठीक है, ये थी हमारी मॉडिफाइड रूट। तो एक और लिख लो, एपिफाइटिक रूट। एपिफाइटिक रूट, हालांकि मैं आपको बता चुका हूं एपिफाइट्स क्या होते हैं। क्या होते हैं भाई एपिफाइट्स? प्लांट बॉडी के ऊपर ग्रो करने वाले या फिर किसी भी चीज के ऊपर। बहुत बढ़िया, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जो प्लांट सिर्फ सपोर्ट के लिए ग्रो करते हैं, दे आर नॉट पैरासिटिक, दे जस्ट नीड शेल्टर, तो उनको हम लोग एपिफाइटिक प्लांट बोलते हैं। और एपिफाइट्स में सबसे ज्यादा जो द बेस्ट एपिफाइट्स दे आर ऑर्किड प्लांट, तो ऑर्किड होते हैं। इनसे जो रूट निकलती होती हैं इनको एपिफाइटिक एरियल रूट्स बोलते हैं। ये क्या करती हैं, इनका फंक्शन होता है दे आर हाइग्रोस्कोपिक। ये वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करती है। वाटर कहां से एब्जॉर्ब करती है? दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम मॉइस्चर, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। इनमें वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए एक स्पेशल टिश्यूज पाए जाते हैं, उनको वेलामेन टिश्यू कहते हैं। वेलामेन टिश्यू, नोट करो। एपिफाइटिक रूट, दीज रूट्स आर
फाउंड इन ऑर्किड्स. दे आर हैंगिंग रूट्स, दे आर हैंगिंग रूट hanging roots. They have especial tissues. They have especial tissues for absorption of water from moisture. They are also called hygroscopic. They are also called hygroscopic roots. They are also called hygroscopic roots. Okay. Yes. So that's it for the day. Sir, एक बार please pronounce कर दो आपने क्या लिखा है वो. हाँ जी. वो लिखा क्या है velament tissue. Velament tissue लिखा है. M E N है last में. V E double L A M E N हाँ velament tissue. Sir, एक बार वो बता दीजिए sir velament tissue. क्या चीज? वेलामेंट टिश्यूज डेड टिश्यूज होते हैं, ये रूट में पाए जाते हैं एक्सटर्नल सरफेस पे. ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके प्लांट को वाटर सप्लाई करते हैं, क्योंकि इनकी रूट